आपको भी डॉल से डर लगता है? आज हम इसी अहम सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ डॉल्स में आत्मा आ जाती है, जैसे कि एनाबेल डॉल या फिर कोई और, पर क्या सच में ऐसा होता है? Now, when was the last time Robert was moved? Like physically moved? They moved him during the hurricane. Okay. The last storm that came through. Because in other images, other videos that I've seen, he's actually holding his lion, and here his lion is sitting up in his lap. Right. So that was a change, and now his hat sits a little further back. A little further back. Mm-hmm. And you'll notice when you look at him, he's tied in with monofilament. That's because of his constant moving. So he's actually tied to the chair right now? He's tied to the chair. So people used to talk about Robert getting up and moving all the time. Now the movements that people report are things like Robert swallowing. पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक डॉल का फिजिकल डिज़ाइन हमारे शरीर से काफ़ी मिलता जुलता होता है, चेहरा, हाथ, पैर, सब कुछ। और क्यों ना हो, हम सभी के शरीर के अंदर आत्मा होती है जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है। जब एक आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अपने इंसानी शरीर के साथ साथ अपने रूप को भी खो देती है, और वो ये रूप कहीं और ढूंढती है, तो वो किसी इंसानी मूर्ति या डॉल में बस जाती है। इसी वजह से लोग कभी ना कभी डॉल से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ किसी आत्मा का साया है। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम है? इस पर विचार करेंगे तो शायद हमें सच का पता चले। तो क्या आपको भी डॉल से डर लगता है? क्या आपने कभी ऐसे अनोखे अनुभव के बारे में सुना है? हमारे साथ अपने विचार ज़रूर शेयर करें।